सच्चा बालक इकाई में अभ्यास में यह दूसरा प्रश्न है, पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ जो पांच वाक्य दिए गए हैं, आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है अपनी नोटबुक में। पहला है, लड़का मेरे पास 40 अशरफिया है। दूसरा है, आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। तीसरा है, माँ ने कहा था बेटा सदैव सच बोलना। चौथा है, हमेशा सत्य की जीत होती है। और पांचवा है, हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो इस प्रकार से पढ़ना है स्पष्ट उच्चारण के साथ। हाँ, आप स्पष्ट रूप से उच्चार के साथ, जहाँ आरोह अवरोह के साथ आप पढ़ सकते हो। इसीलिए ये वाक्य, ये प्रश्न दिया गया है। लड़का, देखो यहाँ लड़का, लड़का नहीं लेकिन लड़का, ड के नीचे नुक्ता है, बिंदी जो है ना, इसे नुक्ता कहते हैं। तो इसीलिए लड़का मेरे पास 40 अशरफियाँ, यहाँ चंद्र बिंदी है, अशरफी के नीचे नुक्ता है, तो अशरफियाँ हैं, है पे भी बिंदी है। तो इस प्रकार से हमें पढ़ना है। यहाँ आसमान में घनघोर बादल छाए हैं, तो यहाँ है मैं, यह अनुस्वार है तो वहाँ मैं होना चाहिए, यहाँ हैं होना चाहिए। हाँ, यहाँ स बिल्कुल सादा स है, तो इसलिए आसमान, हाँ आसमान नहीं लेकिन आसमान। इस प्रकार घनघोर, इस तरह से हमें उच्चारण करना है। यहाँ माँ, तो चंद्र बिंदी है इसलिए माँ थोड़ा और लंबा करना है, बिल्कुल माँ नहीं लेकिन माँ ने कहा था बेटा सदैव, सदैव ये उच्चार सही ढंग से करना है। हमेशा, हमेशा नहीं लेकिन हमेशा, सत्य ही की ही जीत होती है। हमेशा, हम क्या कहते हैं, हमेशा, हमेशा नहीं हमेशा, ये बात याद रखनी है। हॉकी, यहाँ देखो उल्टी मात्रा दी गई, मतलब हॉकी नहीं लेकिन हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। तो इस तरह से उच्चार का यहाँ महत्व दिया गया है।